मौका हवाला वहां से होगा प्रेमी श्रोताओं कि जब वो दुशासन द्रौपदी के केस पकड़कर खींच कर दरबारों में ले जाता है। द्रौपदी दरबार में पहुंच जाती है और जब भरी मर्दों की पंचायत को देखा तो शर्म महसूस करती है कि अरे आज ये मेरे साथ तुमने क्या किया, मैंने आज से पहले ना ही सुना ना ही देखा कि किसी मर्दों की पंचायत में एक औरत को घसीट कर बुलवाया गया हो। आखिर ऐसा क्यों किया आपने जेठ जी? अपने जेठ जी को क्या कहती है सुनते हैं इस रागनी के माध्यम से। हेरे गुरु शर्म नहीं आती है रे जांग दिखावे बेटी ने क्यों शर्म रही ना जेठ तने शर्म रही ना जेठ तने से जिन्होंने पहले भी बहुत सारा पुरस्कार दिया और फिर से 10 रुपए का पुरस्कार देते हैं। पप्पू जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। न्यू कहने लगी द्रौपदी कि जेठ जी इस दुनिया में एक नियम है, एक रीत है कि जैसा इंसान बोता है उसे काटने को भी वैसा ही मिलता है। जैसा आज तुम मेरे साथ कर रहे हो तुम्हें एक दिन इस बात का बदला तो जरूर दूंगी। किस तरह से क्या कहने लगी? हाँ हेरा वैसा पड़ा है।
के आगे आगे होवेगा, आगे आगे होवेगा। तेरी बचनी कौन या जान जेठ तू, हाँ बचने का राहत होवेगा। बैठ्या बैठ्या आज बैठ्या बैठ्या हसे एक दिन, खड़ा खड़ा तू रोवेगा, खड़ा खड़ा तू रोवेगा। मौसमपुर से चल के हमारे बीच में आए, रागनियों के बड़े ही प्रेमी श्रोता हैं। इस रागनी पे खुश होकर 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। अंकल जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। न्यू कहने लगी, जेठ जी एक बाप और बेटी का जैसा रिश्ता होता है, ऐसे ही जेठ और बहू का रिश्ता होता है। आज तो तुमने उस रिश्ते की भी शर्म नहीं रखी। अरे ना ही देखा ना ही सुना कि एक जेठ अपने छोटे भाई की बहू को दरबारों के बीच नगन करके नचाने की बात करता है। मैंने ऐसा नीच इंसान इस दुनिया में नहीं देखा जैसा कि तुम हो जेठ जी। किस तरह से तीसरी लाइनों में क्या कहने लगी, गंदे